आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। भेदभाव और अन्याय को खत्म करने के लिए जाति जनगणना की जाए, जस्टिस बी ईश्वरैया। दो दिन के राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन में दूसरे दिन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश जस्टिस बी ईश्वरैया ने कहा कि पिछड़ों और दलितों के हक और सम्मान को दिलाने के लिए जाति जनगणना की होनी चाहिए। पिछड़ों और दलितों के हक और सम्मान दिलाने, उनके साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय को खत्म करने के लिए जाति जनगणना और सभी जातियों का आंकड़ा होना भी जरूरी है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं, सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से पिछड़े वर्गों का हक मारा जा रहा है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कोई प्रावधान नहीं है, दुनिया में कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप से आए प्रोफेसर हरि नरके ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए मुफ्त और अनिवार्य होना चाहिए। भारत में सूचना क्रांति लाने वाले सैम पित्रोदा पिछड़े वर्ग के थे। पिछड़ा वर्ग में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन बराबरी का कभी भी नहीं है। सम्मेलन में निजीकरण का विरोध में आंदोलन करने की जिम्मेदारी शिव यादव को सौंपी गई। इस निर्णय का सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने समर्थन किया। सम्मेलन में ओबीसी एसटी एससी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व निजीकरण का विरोध, ईवीएम पर रोक, कॉलेजियम सिस्टम लागत के अनुसार कृषि उत्पादन का मूल्य, पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन रामरतन यादव और डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने किया। सम्मेलन के समापन पर दादा बहादुर सिंह लोधी ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बैजनाथ कुशवाहा, रामकुमार पटेल, मूलचंद मौर्य, राजकुमार सिंह किरार, इंद्र कुमार पटेल, घनश्याम यादव, नौखेलाल प्रजा, दिलीप पटेल, वृंदावन वर्मा, घनश्याम यादव, माया देवी कुशवाहा, गिरानी कुशवाहा, भगवान दास पटेल, सीताराम पटेल, देवकरण पटेल एंड मनोज चौधरी एंड एडवोकेट राजकुमार यादव, ओपी यादव, दालचंद रजक, जगदीश ननेट, अविनाश गाड़वे, शर्मन रंजक, हरिशंकर विश्वकर्मा, उदय साहू, डॉक्टर रावत हरि पटेल आदि ने की। मैं रामकुमार पटेल, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया का जबलपुर का जिला अध्यक्ष, इस कार्यक्रम का जिला संयोजक, और ये हमारी कार्यशाला दो दिवसीय है। इसमें हमारे साथी मौर्य साहब कंधे से कंधा मिला के हमारे सब साथियों ने अच्छा सहयोग किया है, और कार्यक्रम की सफलता बहुत अच्छी दिख रही है। हमारे देश से जो जाने माने विद्वान आए हैं, उन्हों का बहुत अच्छा व्याख्यान सभी लोगों ने मंच से सुना है, और आने वाले समय में सभी समूह एक मंच पे आएंगे, ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसी मैं आगे कामना करता हूँ। मेरा नाम रामकुमार पटेल है। जी, काफ़ी सामाजिक मुद्दों पर आज चर्चा की गई, जैसे महिला आरक्षण, नारी शिक्षा और जातिगत जनगणना, ईवीएम पर चर्चा की गई, कॉलेजियम सिस्टम पर चर्चा की गई। ये सभी मुद्दे जन जागरूकता के लिए बेहद जरूरी है, तो इन सब मुद्दों पर आज काफ़ी चर्चा की गई। दो दिन से इसमें काफ़ी पूरे देश भर से अतिथि आमंत्रित किए गए थे। इसमें मुख्य अतिथि हमारे जस्टिस बी ईश्वरैया जी आंध्र प्रदेश से आए थे, प्रोफेसर हरि नरके जी पुणे महाराष्ट्र से आए थे, जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुए थे। मैं डॉक्टर राजकुमारी बंसल। आज हमारी कार्यशाला का दूसरा दिन है, आज 5:30 बजे कार्यशाला समाप्त हो जाएगी। इस कार्यशाला के माध्यम से हमने संपूर्ण जबलपुर जिला और जबलपुर संभाग को जगाने का प्रयास किया है कि भारत के समस्त मूल निवासी SC ST OBC मतांतरित अल्पसंख्यक जिनको संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, उनके अधिकार बताने के लिए कार्यशाला थी। और यहाँ के पत्रकारों ने जिस प्रकार से हमें सहयोग किया है वो अद्भुत है। लगता है कि हम और आप मिलकर के अपने इस प्रिय समाज को जगाने में सफल हो जाएंगे। दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग का PSM कॉलेज में सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन को राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं को बुलाया गया है, इसमें दादा बहादुर सिंह लोधी के द्वारा। दादा बहादुर सिंह लोधी जी का प्रयास है कि जो OBC बिखरा हुआ समाज है, उस समाज को जाति को तोड़ के जमात बनाया जाए, इन जातों की जनगणना कराई जाए, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की जाए, इन और संविधान में जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों से परिचित कराने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व न्यायाधीश हरि नरके प्रोफेसर, जिनकी करीबन 50-60 किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान
बुलाए गए हैं और दो दिन से परिचर्चा चल रही है और हम लोग राम कुमार भैया के नेतृत्व में जबलपुर में ओबीसी की बड़ी लड़ाई खड़ा करेंगे और संवैधानिक अधिकारों को पाने का काम करेंगे। राम रतन यादव। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।